आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिणियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख। औरत जात को पटने का कोई अधिकार नहीं है, खबरदार करके बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती, शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कलती रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे।